हेलो वेलकम अगेन आज हम पढ़ेंगे मालिक्यूलर मास तो पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास आज का टॉपिक है मालिक्यूलर मास मालिक्युलर मास होता क्या है डेफिनेशन है सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मालिक्यूल इज कॉल्ड मालिक्युलर मास सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मालिक्यूल एक मालिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे उनके एटॉमिक मासेस का सम उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा मालिक्यूलर मास तो मालिक्यूल होता क्या है मालिक्यूल की डेफिनेशन यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखी हुई है ग्रुप ऑफ सेम आर डिफरेंट एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्ड टूगेदर इन ए फिक्सड रेशियो बाय मास तो मालिक्यूल क्या है ग्रुप ऑफ सेम एटम्स आर डिफरेंट एटम्स दैट आर केमिकली बाउंड टुगेदर इन ए फिक्सड रेशो बाई मास तो ये फिक्सड रेशो में कंबाइन करते हैं केमिकली बॉन्ड के थ्रू सेम एटम्स भी हो सकते हैं के मालिक्यूल में और डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं तो आई कैलकुलेट करते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मालिक्यूलर मास तो सबसे पहले एग्जाम्पल है वाटर की वाटर एच टू ओ फार्मूला होता है एच टू ओ इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन है तो मालिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वन होता है और एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास सिक्सटीन होता है तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है टू इंटू वन दो हाइड्रोजन और अटामिक मास वन टू इंटू वन एक ऑक्सीजन और उसका अटामिक मास सिक्सटीन वन इंटू सिक्सटीन टू वनजा टू सिक्सटीन वनजा सिक्सटीन तो ये आ रहा है एटीन तो एक वाटर मालिक्यूल का मालिक्यूलर मास जो होता है एटीन होता है तो कुछ एलिमेंट्स के अटामिक नंबर हैं अटामिक मासज हैं सिंपल है और एलिमेंट नेम है इस चार्ट में इसे देख लेते हैं पहला ए, ए, एलिमेंट है हाइड्रोजन सिंबल एच एटॉमिक नंबर वन और मास नंबर भी वन एटॉमिक मास भी वन है ह, आ, हीलियम का एटॉमिक नंबर टू सिंबल एच ई मास फोर लिथियम एटॉमिक नंबर थ्री सिंबल एल आई मास सेवन एटॉमिक नंबर फोर है बेरिलियम का सिंबल बी ई एटॉमिक मास नाइन तो इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हैं एलिमेंट नेम हैं एटॉमिक नंबर है एलिमेंट नेम है सिंपल है, है, है और साथ में एटॉमिक मासेस है तो ये आप थोड़ा देख लें इसमें मैंने यूज़ किया भी हाइड्रोजन का वन और ऑक्सीजन का सिक्सटीन एटॉमिक मास जैसे जैसे एग्जांपल करेंगे वैसे इसको देखेंगे चार्ट को तो पहले मैंने बताया वाटर की एग्जाम्पल वाटर का फार्मूला होता है एच टू ओ वाटर में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है इन दोनों एटम्स का एटॉमिक मास को ऐड करना है तो मालिकुलर मास जो आएगा हमारे पास दो हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वन ऐड करेंगे एक ऑक्सीजन एटम है और एक ऑक्सीजन का अटामिक मास होता है सिक्सटीन टू वनसा टू प्लस सिक्सटीन वनजा सिक्सटीन इज इक्वल टू एटीन यू तो ये वाटर का एटीन यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट मालिकुलर मास है वाटर का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन मालिक्यूल ओ टू दोनों सेम एटम है दो ऑक्सीजन एटम्स हैं ऑक्सीजन मालिक्यूल का मालिक्यूलर मास जो है दो ऑक्सीजन एटम है एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है सिक्सटीन तो टू से मल्टीप्लाई किया टू सिक्सटीन सा थर्टी टू तो एक ऑक्सीजन मालिक्यूल का मालिक्यूलर मास जो होता है थर्टी टू होता है अगर इसको हम दो मालिक्यूल हैं तो ऐड करें सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन ऐसे भी लिख सकते हैं तो वो भी थर्टी टू आएगा थर्ड एग्जांपल है ओजोन ओजोन का फार्मूला होता है ओ थ्री मालिक्यूलर मास क्या आएगा तीन ऑक्सीजन एटम है थ्री मल्टीप्लाइड वाई सिक्सटीन कम्स आउट टू बी 48 u r आर ए एम तो ओजोन का मालिकुलर मास जो होता है 48 एट ए एम यू होता है अगर इसको हम ऐड करें सिंपली अगर तीन मालिक्यूल हैं ऑक्सीजन तीन एटम्स हैं ऑक्सीजन के ओजोन में तो 16 प्लस 16 प्लस सिक्स हम लिख सकते हैं या फिर सिंपल मल्टीप्लाई करें एक ही बात है ये थर्ड एग्जांपल थी फोर्थ है नाइट्रोजन मालिक्यूल नाइट्रोजन मालिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम है एक नाइट्रोजन एटम का फोर्टीन एटॉमिक मास होता है फोर्टीन एटॉमिक मास होता है और दो नाइट्रोजन एटम है और एक का फोर्टीन होता है मल्टीप्लाई क्या ट्वेंटी एट ए एम यू आर यू भी लिख सकते हैं ये मालिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन मालिक्यूल फिफ्थ एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एसओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड में जो है दो हाइड्रोजन है एक सल्फर है और चार ऑक्सीजन एच टू एसो फोर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन और चार सॉरी एक सल्फर दो हाइड्रोजन एक सल्फर और चार ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वन टू मल्टीप्लाईज बाय वन प्लस एक सल्फर है तो वन मल्टीप्लाई बाय थर्टी टू ये चार्ट से हम देख सकते हैं सल्फर का मालिकुलर सॉरी एटॉमिक मास है थर्टी टू प्लस फोर इंटू सिक्सटीन मीन्स फोर ऑक्सीजन ऐटम है और एक ऑक्सीजन आइटम का सिक्सटीन एटॉमिक मास होता है तीनों एटम्स हैं टू इंटू वन टू वन सा टू थर्टी टू वन सा थर्टी टू सिक्सटीन फोर फोरजा सिक्सटी फोर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा नाइन्टी एट एम यू सल्फ्यूरी एस, सल्फ्यूरिक एसिड का मालिकुलर मास जो होता है वो नाइन्टी एट होता है सल्फ्यूरिक एसिड में तीन एटम होते हैं तीन तरह के एटम होते हैं हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फार्मूला होता है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो कैलकुलेट कैसे करते हैं मालिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मालिक्यूल का मास जो है इसमें एक हाइड्रोजन होता है और एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वन होता है वन इंटू वन एक ही हाइड्रोजन है तो वन इंटू वन प्लस क्लोरीन भी वन है तो वन इंटू थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ये एटॉमिक मास है क्लोरीन का हमने पिछली क्लास में किया था एवरेज एटॉमिक मास निकाला था क्लोरीन का वो आया था थर्टी फाइव पॉइंट फाइव आप इसको सिंपलीफाई करेंगे वन प्लस थर्टी फाइव तो वन प्लस करेंगे थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव आएगा तो ये जो है मालिकुलर मास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्स था ये चार्ट से देखते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सेवनटीन क्लोरीन का यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्लोरीन का एटॉमिक अट, मास थर्टी फाइव सल्फर का थर्टी टू जैसे दूसरे एटम यूज होंगे वैसे हम चेक कर लेंगे नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड एच एन ओ थ्री इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है एच एन ओ थ्री एच एन ओ थ्री तीन एटम है हाइड्रोजन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन और तीन ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन और तीन ऑक्सीजन इन तीनों एटम्स का एटॉमिक मास ऐड करना है एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन का तो पता ही है हमें वन एटॉमिक मास वन इंटू वन आएगा एक नाइट्रोजन एटम का एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास है फोर्टीन वन इंटू फोटीन और ऑक्सीजन का सिक्सटीन थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू सिक्सटीन सिंप्लीफाई करेंगे वन इंटू वन 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 फोटीन सा फोर्टीन प्लस थ्री सिक्सटीन सा फोर्टी एट इसको एट एडअप करेंगे ये आएगा सिक्सटी थ्री यू और एम यू भी लिख सकते हैं एम यू एटामिक मास यूनिट आर यूनिफाइड मास तो नाइट्रिक एसिड के एक मालिक्यूल का एटॉमिक मा सॉरी मालिकुलर मास जो होता है सिक्सटी थ्री ए एम यू होता है या यू होता है ये थी सेवन्थ एट्थ एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी थ्री सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में तीन तरह के एटम हैं सोडियम है एन ए कार्बन है और ऑक्सीजन है सोडियम के दो एटम हैं सोडियम के दो एटम्स हैं कार्बन एक ही है और तीन ऑक्सीजन के हैं तीन ऑक्सीजन के एटम्स हैं सोडियम एक सोडियम का एटॉमिक मास होता है ट्वेंटी थ्री तो दो सोडियम एटम्स हैं यहाँ पे फार्मूले में भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो सोडियम एटम का एटॉमिक मास आ जाएगा एक कार्बन एटम है तो एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास होता है ट्वेल्व ऑक्सीजन का सिक्सटीन तो इसको मल्टी इन को मल्टीप्लाई करेंगे इनके कोपशेंट के साथ टू टू ट्वेंटी थ्री सा फोर्टी सिक्स ट्वेल्व वन ज ट्वेल्व प्लस थ्री सिक्सटीन सा फोर्टी एट इनको एड करेंगे आएगा वन हंड्रेड सिक्स तो सोडियम कार्बोनेट का मालिक्यूलर का मास होता है वन सिक्स एक मालिक्यूल सोडियम कार्बोनेट का मास होता है वन हंड्रेड सिक्स आर एटॉमिक मास यूनिट तो नेक्स्ट है मीथेन मीथेन का फार्मूला होता है सी एच फोर मीथेन में दो तरह के एटम हैं एक कार्बन दूसरा हाइड्रोजन कार्बन एक है कार्बन एक है, कार्बन एक है और चार हाइड्रोजन एटम्स हैं कार्बन का एटॉमिक मास ट्वेल्व होता है हाइड्रोजन का एक होता है कोबेशंट से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे ट्वेल्व सा ट्वेल्व फोर वन सा फोर तो ये आएगा ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन यू ए एम यू भी लिख सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट तो एक मीथेन मालिक्यूल का मास जो होता है सिक्सटीन ए एम यू होता है तो ये थी कुछ एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ मालिकुलर मास यहाँ पे कुछ एलिमेंट मैंने लिखे हुए हैं इनके एटॉमिक नंबर है मास नंबर है या एटॉमिक मास है सिंपल uh, है एलिमेंट नेम है तो ये आपको लर्न करना है ये मैंने अप्रॉक्सीमेट लिखा है होल नंबर करके थैंक यू